व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टरबेशन, मेरे अंतर मन से एक आवाज आई कि मुझको एक पॉर्न स्टार होना चाहिए। साउंड, कैमरा, रोल, एक्शन होता है, तो आप क्या क्या होता है? साउंड, कैमरा, रोल, पेलो। पेलो पेलो। कभी दुख होता है एज अ क्रिएटिव पर्सन की गवर्नमेंट पॉर्न बैन कर देती है? किसान को खोदना और बाप को चोदना मत सिखा, कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर, माँ चुदाए फल। ये वाला है जॉनी भाई का? नहीं नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला है, ये वाला है। नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो किसी और का। अरे 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 अरे, यही तो है, यही तो है। मोड़ो 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 मोड़ो। हाँ, ये 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 ये, रोको 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 रोको। अरे इधर खड़ा हूँ यार। तो दोस्तों, आज हम इतनी दूर चलकर एक ऐसी हस्ती से मिलने आए हैं जिन्होंने अनगिनत लड़कियों को रुला दिया है। आइए मिलते हैं उनसे, उनके घर में चलकर जानते हैं उनके बारे में। आइए। तो किसने सोचा था कि एक छोटे से शहर के झांट भर के मोहल्ले से निकलकर एक बालक इतना ऊपर चला जाएगा कि दुनिया भर के बालकों को वो अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाएगा। इन्हें दुनिया में हर कोई जानता है, मगर ये कोई फिल्म स्टार नहीं है। हजारों लड़कियों के दिलों के साथ खेला है, मगर कोई स्पोर्ट्स स्टार नहीं है। ये हैं दुनिया के सबसे मशहूर पॉर्न स्टार, द जॉनी सिंस। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं हमारे इस शो में, जिसका नाम है बातचीत विद जॉनी सिंस। आइए। तुम टेंशन मत लो, ये इंजेक्शन देखने में मोटा है लेकिन एक सुई सी चुभेगी और कितने प्यार से ये अंदर जाकर बाहर आएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो देखा दर्शकों, आज हमारे दुग्गल साहब डॉक्टर बने हैं। एक WHO का सूट है, उसी की मैं प्रैक्टिस कर रहा था। हाँ, इस एड में आपको कास्ट करके WHO ने एक चीज तो सुनिश्चित कर दी है कि ये एड परिवार का हर एक सदस्य देखेगा, अकेले अकेले। आइए बैठकर बात कर। चलिए चलिए, आइए। जानी भैया जी, तो आप अपने रोल की प्रिपरेशन कैसे करते हैं? मतलब कैसे अंदर तक घुस जाए रोल में कि ऐसा भावुक कैरेक्टर निकले, सामने वाले के रोए रोए खड़े हो जाए? कैसे आती? वैसे पैर रख लूं पर ऐसे? नहीं। अच्छा, देखिए प्रिपरेशन का तो ऐसा है कि अब तो आदत सी हो गई। हाँ। लेकिन पहले मेरी बहुत गाड़ पड़ती थी। अच्छा। परफॉर्मेंस प्रेशर हो जाता है, सामने कैमरा, लाइट्स, इतने सारे लोग खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आपका खड़ा ही नहीं हो रहा है। तो कैसे आपने अपने अंदर के आर्टिस्ट को फट के बाहर आने दिया? देखिए शुरू में बहुत मुश्किल था। हाँ। फिर मैंने मेडिटेशन के बारे में सुना। तो किया आपने मेडिटेशन? नहीं, वो मेरे किसी काम का नहीं था, मेरा कोई फायदा ही नहीं था उससे। फिर एक दिन हमारे मोहल्ले में ऐश्वर्या आई? नहीं, तो साइबर कैफे खुला। अच्छा। और मैंने अपनी लाइफ की सबसे पहली पॉर्न देखी होगी, ब्लू फिल्म। ब्लू फिल्म, तब उसे ब्लू फिल्म कहा करते थे। हाँ। और तभी मैंने डिसाइड कर लिया या पॉर्न स्टार बनेंगे, कि मैं ब्लू फिल्म की सीडी बेचूंगा। सीडी बेचेंगे? बहुत तगड़ा बिजनेस होता था एक टाइम। बहुत अच्छा। ये बताइए कि जैसे हम लोग की इंडस्ट्री में है, सिनेमा में ऐसा रहता है कि लाइट, कैमरा, एक्शन, तो आप क्या क्या होता है? साउंड, कैमरा, रोल, पेलो। पेलो पेलो। साउंड, कैमरा, रोल, पेलो। पेलो। बहुत बढ़िया, तो आनंद आया। वैसे आपका जो ये वाइट पोशाक है, इसको देख के एक बहुत बढ़िया कहानी याद आ रही है। डॉक्टर वाली जो आपकी पोशाक है, 1969 में एक सिन्हा जी हुआ करते थे हमारे बगल में, तो मतलब उनकी पूरी राइट बॉडी पैरालाइज कर गई थी। किसी ने उनको कहीं से कोई कैसेट उसेट लेके आया, तो कैसेट ही रहती होगी उस समय, कोई लाया तो एक वीडियो चलाई आपकी कोई। भाई साहब, वो वीडियो देख के सिन्हा जी का राइट हैंड काम करने लग गया। क्या बात कर। हाँ। बस क्या, तो पतंग उड़ाना शुरू कर दिया, इतना तेज उनका काम करना शुरू कर दिया। तो मसीहा हैं आप लोग अब? मतलब काम में कुछ गलत नहीं? नहीं, बढ़िया है काम। क्या हुआ? यहाँ माधरचोद मच्छर बहुत है, आइए बगीचे में चल के बैठ। चलिए वहीं बैठ। चलिए सही रहेगा।
कैसे आना हुआ आपका इस फील्ड में? देखिए, मेरे पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरी मॉम चाहती थी कि मैं इंजीनियर बनूं। मैं पैर रख लूं यहाँ भी? नहीं, यहाँ भी मत रखो। चलिए, मेरी सिस्टर चाहती थी कि मैं टीचर बनूं। अब इतने सारे सपनों के बोझ तले मैं इतना दब गया, इतना पजल महसूस करने लगा। अक्सर ऐसा होता है कि माँ बाप अपनी सपनों का बोझ बच्चों पे डाल देते हैं, तो बच्चे लोग जो है फंस जाते हैं थोड़ा। तो कैसे निकले आप फिर बाहर? यू नो, व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टरबेशन, मेरे अंतर्मन से एक आवाज आई, अंतर्मन से, कि मुझे पॉर्न स्टार बनना चाहिए। और आज आप देख सकते हैं कि एक भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है जिसको मैंने छोड़ा हो। यहाँ तक कि सीए जैसे बोरिंग प्रोफेशन को भी मैंने कितना एंजॉयबल बनाया है। आपको वीडियो दिखाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वीडियो तो मैंने सब देख रखी है। इवन आई आल्सो डू माय मास्टरबेशन बाय वाचिंग योर वीडियोस। ओह ग्रेट। ये बात तो है कि आप जिस भी प्रोफेशन में जाते हैं वहाँ की महिलाओं का सेक्सीकरण अपने आप हो जाता है। बहुत। आपने अपने पिता के बारे में बात की है। जी। तो कैसे थे आपके पिताजी? मेरे डैड एक किसान थे, बहुत ही सिंपल जीवन जीते थे, लेकिन अनपढ़ होने के बावजूद उनकी हर बात में एक ज्ञान छुपा होता था। तो कोई ऐसी बात आपके पिता की जो आपको अंदर तक चुभ गई हो या आपके जीवन को कहीं किसी एक तरफ मोटिवेट कर दी हो, ऐसी कोई बात? मुझे आज भी याद है, एक दिन मैं उनको समझा रहा था कि सभी धर्म एक समान होते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता। तो उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर बड़े भावुक मन से कहा कि बेटा, किसान को खोदना और बाप को चोदना नहीं सिखाना चाहिए। वाह, अनुप्रास अलंकार। तो जानी भैया जी, अक्सर हमारे दर्शक एक सवाल पूछते हैं कि जिन लोगों का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, अपनी पत्नियों को परम सुख की प्राप्ति नहीं करवा पा रहे हैं, तो ऐसे मर्दों के लिए आपकी क्या राय हो? देखिए, बीवियां तो जिनसे खुश होना चाहती हैं उन्हीं से ही खुश होंगी। और जहां तक मर्दों की बात है, उनको मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि पूरी ताकत से अपना कर्म करे जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो वो कहीं ना कहीं से ले ही लेंगे। यहां तक कि कई दोस्तों की शादियां मैंने टूटने से बचाई हैं। अच्छा, कैसे? समझा कर? बुझा कर। क्या बुझा कर? आग। कहाँ की? जिस्म की। अच्छा जी। कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर, माँ चुदाए फल। जॉनी भैया, आपके हिसाब से पॉर्न स्टार की क्या ड्यूटी होती है? उससे पहले क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उस सवाल का जवाब दूंगा। दीजिए। देखिए, लोगों में स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है, 9 to 5 जॉब्स है, दुनिया में हर कोई प्रेशर से दबा हुआ है। इस प्रेशर के बीच हम सिर्फ 2 पल देना चाहते हैं। खुशियों के? मुठियों के। हाँ। मुठियां कलाई आ गया। आपने बगीचा बहुत बढ़िया बनाया जॉनी भैया। बगीचा बहुत बढ़िया है। हाँ। लेकिन शाम का वक्त है, सांप निकलने वाला होगा। अच्छा। काट लेगा, मर जाओगे। चलो यहाँ से। आपने इतने अलग अलग प्रकार की पावर फिल्में करी हैं, तो इसमें सबसे फेवरेट जानर आपका कौन सा रहा है? देखिए, मैं जो हूँ एजुकेशन को सबसे ऊपर रखता हूँ। हाँ। तो मेरा जो सबसे फेवरेट जॉनर है वो है क्लासरूम वाली। ओह, क्लासरूम। तो इसमें आप शिक्षक बनना पसंद करते हैं या शिक्षा ग्रहण करना? शिक्षक बनना। शिक्षक मतलब कि मैं हूँ टीचर और क्लास हो जिसमें कि महिलाएं जैसे शिक्षा ग्रहण करें, कोएड भी हो तो चलेगा। चलेगा, उससे शिक्षा आपस में आदान प्रदान होता है और महिलाओं का सेक्सीकरण तो हो ही रहा है। ये तो जरूरी है। दुख होता है एज अ क्रिएटिव पर्सन की गवर्नमेंट पॉन बैन कर देती है। देखिए, पॉन जो है वो पानी की तरह है। हाँ। और पॉन देखने की चाहत जो है वो प्यास की तरह है। हाँ। अब जरूरी नहीं है जहाँ पानी होगा वहीं प्यास मिटेगी। हाँ। मतलब नदी में हमेशा नहीं जाएंगे ना पानी पीने। हाँ, ये तो सही। यहाँ पानी नहीं है तो खोद के निकाल लेंगे। तो ऐसे ही अगर पौन आप बंद कर दीजिए। हाँ।
लेकिन आपको पॉन कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी। मैं खुद VPN के थ्रू देखता हूँ। देखिए, खैर समय का पता ही नहीं चला, आपसे बात करते करते कब 5 मिनट निकल गए जी। काफ़ी कुछ सीखा, जान पाया आपसे, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, अच्छा लगा। देखिए इस समय मैं ये भी भूल गया, WHO का जो सूट है, मैं गोली खा के बैठा हूँ, असर खत्म हो जाएगा। नहीं, आपको निकलना चाहिए। आइए। चलिए, एक बात और आपसे कहना चाह रहा था कि शूटिंग देखने देंगे हमको थोड़ी सी? इसीलिए इंटरव्यू कर रहे हो हैं? अरे नहीं नहीं, करा दीजिए। अरे आओ, करोगे? करने भी मिल जाएगा। हाँ हाँ, गोली खाओगे? गोली खाने से साइड इफेक्ट तो नहीं होता कुछ? नहीं नहीं, जिसको करोगे उसको इफेक्ट, उसको इफेक्ट कर लिया। कितने लोग रहेंगे? थ्रीसम। थ्रीसम क्लासरूम वाली आ जाएगी। नवाज भाई कहाँ हैं आप? अबे चांद पे हैं, मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। फिर भी कितना टाइम? अब टाइम लगेगा तो लगेगा ना गांडू, माइक तैयार रख, आते बाप का, दादा का, भाई का, सबका इंटरव्यू देगा तेरे को। ठीक है।